Hey guys, what's up? Namaskar, kem chho, adab, sat sri akal, vanakkam. स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल Mr. and Mrs. Raj में. बहुत दिन बाद मम्मी बैठी हुई है अभी हमारे रूम में. मतलब हम लोग भी खैर थोड़ा बहुत बाहर जाना आना हो गया था जिसके वजह से ब्लॉग शूट नहीं हो पा रहा था. तो माई मॉम इज सिटिंग हियर. हे मॉम, हाउ आर यू? अभी तबीयत खराब है मेरा. सो यू आर नॉट फाइन? नो. ओहो, व्हाट हैपेंड? मम्मी यू आर लुकिंग लाइक खली, द ग्रेट खली. आई वॉन्ट टू बी लाइक यू इन टर्म्स ऑफ योर खली अंडरटेकर बॉडी बिल्डर बना दी. गिर जाता था मतलब उड़ता नहीं था. का खली को कोई मार देगा ना अगर लड़ते समय. हम देखते थे बॉक्सिंग वाला. तो उसमें अगर वो 6 फीट कितना का है ना, 7 फीट जब तक उठेगा तब तक दबा देगा. हां, तो वो उठ ही नहीं पाता था. वो काल में कितना बहुत ज्यादा खाता था. अभी भी गाड़ी में तो एकदम सीरियस है करके. लेकिन है भाई आदमी द ग्रेट खली. हम लोग के इंडिया का था वो. अंडरटेकर से उसे लड़ जाता था. चलिए तो और बताइए, मेरे बारे में आप कुछ कुछ बता रही थी अभी मनीषा को. जब ये दो साल का था तो हम दार्जिलिंग लेके गए थे. मेरी बहन रहती है वहाँ. वहाँ थोड़ी रहती है, सिक्किम वहाँ से 100 किलोमीटर दूर रहती है. माने वहाँ से पास रहता है वो, जाने में आराम है. तो हम लोग गए थे तो वहाँ दिल खुश होटल अथी में दार्जिलिंग में वहाँ पे रुके थे. और सुबह उठ के गए थे सूरज को देखने जाता है लोग, टाइगर हिल. हाँ, तो वहाँ पे हम लोग गए थे घूमने. इसको कुर्ता और धोती अब पहना थी. इधर उठबे नहीं की, इतना ना पागल है. सुतल रह गई थी. टाइगर हिल देखती ना पूरा गोल्डन दिखता है पहाड़. हाँ, सूरज जब निकलते हैं तो पूरा एकदम. सूरज निकलने पहले ही दिखता है गोल्डन पहाड़. और वो 5 ही मिनट दिखता है. घोड़ा से भी ना उधर जाकर तुम घूम सकता था, सैर कर सकता था घोड़ा उस पहाड़ों पे. टाइगर हिल, उस पर बहुत बड़ा लड़ाई भी हुआ था. तो इसको लेके गया था. जब चल रहा था बाल बांध दिए थे. खूब अच्छा बाल था, बड़ा बड़ा इसका. 2.5 साल पे बाल कटवाए थे. पूजा थी छोटी सी पीछे मैंने गोदी में. टुक 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 चल रहा था तो सब नेपाली सब देख रहा था कि अरे धोती कुर्ता ही बच्चा पहना है. धोती कुर्ता चूंकि उधर पूरा ठंडा रहता है ना, तो अंदर इनर उनर पहना के पहना दिए थे. तो अच्छा लगता था. पूजा छोटी थी, ये था. अब तो बहुत बदमाश था, खचड़ा था एकदम. खचड़ा कमाई सही. तो गाइस यहाँ खचड़ा कमाई और खचड़ा कमाई के पतो दोनों आदमी है लोग. खचड़ा माने क्या होता है मम्मी? मैंने खचड़ा मतलब होता क्या है? खच्चर नहीं सुना है, घोड़ा को. अरे वो खच्चर जो धोबी का होता है, सब कपड़ा खींचता है. हाँ, तो उस खच्चर को खचड़ा बना दिया है. जैन बकरी को बकरिया बोल देता है लोग, गाय को गैया. चलिए गाइस, तो अभी आप लोग बने रहे ना ब्लॉग में. आई होप कि आप लोग को ये वाला ब्लॉग एंजॉय करेंगे आप लोग. बाकी तो आप लोगों का ब्लॉग स्टार्टिंग में ही आप लोगों को एक स्टोरी सुनने को मिल गया. तो लेट्स कीप ऑन वॉचिंग, एन्जॉय द ब्लॉग. बाकी यहाँ पे मनीषा है अभी, चलो वो आया हुआ है. अभी हम लोग का एक बहुत ही मस्त शूट होने वाला है, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा क्या होने वाला है. तो गाइस देखिए गाइस, आते आते झगड़ा कर रही है मम्मी हमसे. क्या लड़ती है मम्मी? अब हम क्या मैंने आपको बोले? हम मन करता है, देखिए गाइस इनका मन करता है झगड़ा. क्या करे? मारने को मन करता है. मारने को तब कोई सामान ले आना है तो नहीं जाएगा, अंबाला में चल जाएगा खटखटा. अंबाला में कोई नहीं पहचानता, यहाँ पे सब लोग पहचानता है. एक रुपया का नहीं जाएंगे, इतना पैसा लग गया है 15,000 से ऊपर ही. बहुत जोड़ा तारा पैसा. अब कहेंगे 1 रुपया नहीं लगाया, बता देंगे लगाया तो कहेंगे बहुत जोड़ तेरा पैसा. हम क्या किया है तुम? हम क्या जानते हैं क्या किया है? कुछ ही अपने छोटका बाबू से. छोटका बाबू अपने लगा रहा है. वो लगा रहा है, जा रहा है, कह रहा है भैया तनी हम भेज रहे हैं स्कैन. स्कूल पेंट हो रहा है, काम हो रहा है तो लगेगा ही. तो वही तो हम बोले हैं. पापा का तो कितना पैसा लग गया? सबका लग रहा है उसमें. बाइक मेरा रखा गया एजेंसी में 1 महीना से, कोई चावे चिंता नहीं है. वो फैक्ट्री खरीदता है ना तो दूसरा का सोचता है खरीद ले. दूसरा का हम भी वही सोच रहे हैं. इंसान का कभी नहीं पूरा होता है, वही तो चीज है. इंसान आदमी को ना संतोष रखना चाहिए. संतोष रख लेगा तो उसका जिंदगी सफल हो गया. तब उसको वो ले लेना चाहिए. क्या कहते हैं जो नदी में ले लेता है लोग बैठे बैठे? समाधि. जब संतुष्ट हो जाएगा नदी में समाधि लेता है. जल समाधि लिए नहीं है को बाबा? पर सुबह वीडियो देखे हैं ना जी. मनीषा तुमको भी दिखाए थे ना? यही था देखने जिंदे जाके प्लास्टिक मार के बाबा थे.
लिंक कोई से हुआ ऐसा हो सकता है जा रहा तुम जाकर सामान ले हमको आज लग रहा है मार्केट भेज के रहेंगी तो मेरा टाटा सफारी नहीं निकलेगा मेरा क्विड यहाँ पर है तो क्विड में इसलिए तो कॉल लेके गए थे क्विड चलो गाइस अब जाना ही पड़ेगा जाना ही पड़ा सजना तरीके जो है मैंने दो बार हमको नहला देती है लेकिन अपने एक बार नहा के संतुष्ट रहती है जा रहे हैं बारिश में नहा लेने घर पे नहीं गिरता ग्रीन ग्रीन चीज पे गिरता है यहाँ पे। Hey guys, अभी शाम का टाइम हो गया है और मैं भी फ्रेश हो चुकी हूँ और अभी मिस्टर राज का ये जो मिस्टर राज पहनते हैं इसको मैंने साफ कर दिया। मम्मी बोली कि इसको साफ कर दो तो अभी काफ़ी अच्छा लाइट कर रहा है। ये सरफ में डाल के इसको गर्म कर दिए और उसके बाद से पूरा साफ हो गया, इसके अंदर की पूरी गंदगी निकल गई। तो अभी मिस्टर राज गए हुए बाहर कुछ सामान लाने क्योंकि अभी कुछ खाने का मन कर रहा था। मम्मी भी बोली जानी थी तो मिस्टर राज भी गए हुए हैं बाहर कुछ सामान देते हैं। कल पूजा भी होने वाला है तो कल मुझे ही पूजा करना है तो वो तो कल वाले ब्लॉग में दिखेगा लेकिन आज वाले ब्लॉग में मिस्टर राज देखते हैं मार्केट से क्या क्या लेके आते हैं। हे गाइस, तो आप लोग देखें मिस्टर राज का मेरे मम्मी को इंग्लिश बोल के मुझसे भी आज बोल रहे थे इंग्लिश मॉर्निंग टाइम बोल रहे थे तुम बोलो तो मेरे को भी ऐसे ही करते हैं लेकिन मम्मी को और ज़्यादा करते हैं क्योंकि ना मम्मी के साथ थोड़ा उनका वो होने लगता है नुकझुक छोटा सा। आप लोग भी देखिए काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हो ये चीज़। बहुत लोगों का मैंने कमेंट पढ़ा, आप लोग सोचते हो कि मैं कमेंट नहीं पढ़ती हूँ लेकिन सच बता दूँ मैं कमेंट सब पढ़ती हूँ और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है, दिल खुश हो जाता है। मैंने रात को कमेंट पढ़ा और रिप्लाई भी किया है। पिछले वाले ब्लॉग में बहुत सारे लोग बहुत सारे कमेंट किए थे जिनका रिप्लाई करना पड़ा मुझे, तो जिन लोगों को देखना है वो लोग जाके एक बार देख सकते हैं। अगर आप लोगों को डाउट है कि मैं कमेंट का रिप्लाई नहीं करती हूँ आप लोग जाके देख सकते हैं। तो अभी आप लोग देखें मम्मी और मिस राज कैसे नुकझुक मतलब वो लोग बातें कर रहे थे और अभी मम्मी का तबीयत थोड़ा सा ठीक है लेकिन आप लोग प्रे करना कि बहुत जल्दी मम्मी ठीक हो जाए। और अभी गया है मिस राज, देखते क्या अभी लेके आते हो। बाकी मुझे गुआवा खाने का बहुत ज़्यादा मन भी कर रहा था तो यहाँ पे मम्मी लेके आएंगे। और गुआवा किसको पसंद है आप लोग जरूर बताना। ये पूरा पका हुआ है और अच्छा लगता है, जो मीठा रहता है ना और अच्छा लगता है। क्या जब बाहर बहुत ज़ोरदार बारिश हो रही है, जिस दिन मैं आ रही थी उस दिन तो लग रहा था बारिश नहीं हो रही है, बहुत लोगों ने कमेंट किया था लेकिन अभी तो बारिश का मौसम चल रहा है तो बारिश हो रही है। और आज सावन का तीसरा सोमवारी है तो आप लोग अच्छे से सावन मनाएं और हम लोग का भी मतलब काफ़ी अच्छे से मना। इस बार घर पे थे तो और भी अच्छा लगा। तो अब इस ब्लॉग को कर देते हैं यहीं पे एंड। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मुझे भी देख लीजिए मैं मिरर में कैसे दिख रही हूँ। इतना ज़्यादा गर्मी है तो इसीलिए गर्मी हो रहा है। अब ब्लॉग कर शूट करते हैं, मैंने फैन को ऑफ कर दिया है इसलिए कि उसका आवाज़ आता है तो आप लोग बोलते हो कि बहुत धीरे बोलते हो, मैं ज़्यादा ज़ोर से नहीं बोल पाती हूँ मतलब बोलती हूँ गुस्से में। तो जो लोग सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को वो लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और जाते रहते हैं बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी नया ब्लॉग आएगा वो आप लोग देख सकते हैं। और हाँ, इंस्टाग्राम आईडी राजमिंदर सचिन तो फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जाइए फटाफट फॉलो करिए। और मिरर में मैंने बहुत सारा देख देख के रील वीडियो शूट किया है तो आप लोग देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।